पूरा पूरा सर फटा हुआ मैम उसका इस साइड से। मैंने तो बहन के भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे, क्या कर दिया मैंने। इस रोती बिलकती माँ का दर्द क्या आप समझ सकते हैं, जिसके गोद में उसका लाल की बॉडी हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और आंखों में आंसू दर्द इस बात का है कि वो अपने लाल को नहीं बचा सकी, क्योंकि उसने अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल बस में इसलिए भेजा ताकि वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या पता था कि वही स्कूल बस उसके लाल के मौत का कारण बनेगी। बच्चे का सिर्फ आंसू आ जाएगा सर। स्कूल बस ड्राइवर के लापरवाही ने एक माँ से उसके लाल को छीन लिया। मामला गाजियाबाद के मोती नगर का है, जहाँ मोती नगर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 11 साल का अनुराग भारद्वाज रोज की तरह स्कूल जाने के लिए बस में बैठा था और उसी बस में उसकी बहन भी सवार थी। अनुराग को उल्टी आने पर उसने अपना सिर बस के खिड़की से बाहर निकाला और तभी बस ड्राइवर मोतीपोन चौक के पास अचानक बस को तेजी गति से घुमाता है और तभी एंट्री गेट से अनुराग का सिर टकरा गया और उसका सिर फट गया। बस पर लगे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सिर कितनी तेजी से टकराया होगा कि मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद मासूम की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आप बस को ध्यान से देखेंगे तो खून के धब्बों के साथ डेंट का एक बड़ा निशान भी दिखेगा, जिससे साफ होता है कि बस काफी तेजी से टकराई। तेज रफ्तार बस के एक्सीडेंट ने छात्र की जान ली और स्कूल प्रबंधक ने बच्चे का सिर बस के बाहर होने का क्या झूठ बोला है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बस की खिड़की से क्या सिर बाहर आ सकता है, ऐसे में परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो वहीं स्कूल प्रबंधक उमेश कुमार मोदी, प्रिंसिपल और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और दूसरी ओर प्रशासन भी घटना के बाद चेता है, जिसके बाद आदेश जारी किया गया है कि स्कूल बसों का ऑडिट भी किया जाएगा और दूसरी ओर योगी सरकार ने मामले को लेकर अब रिपोर्ट भी मांगी है।